अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं आपको एक फ्रॉक बता रही हूँ छोटे बेबी का, जो डिफरेंट डिज़ाइन है, जिसके प्लेट साइड में आते हैं। गौर से देखिए और सीखिए, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स करना ना भूलें। आप लोग गौर से देखिए, ये चौक मेजरमेंट ले रही हूँ ना मैं, अपने अपने हिसाब से ले लीजिए अपने बेबी का साइज़ माप के। ये मैं एक 2 साल की बेबी का सी रही हूँ, गौर से देखिए आप लोग कटिंग किस तरह कर रही हूँ मैं, उस तरह आप भी करिए। और जो क्रॉस जो है ना, वहाँ पर चुन्नता, एक दूसरा कपड़ा अटैच करके उसको चुन्नता ले रही हूँ मैं। आप लोग आगे देखते जाइए, आप लोग कुछ समझ में आता। देखिए इस तरह, ये जो पट्टी ली है मैंने, इसको सीवन मार के कॉलर टाइप, झॉलर वाला कॉलर टाइप लगा रही हूँ मैं। देखिए आप लोग, और कैसे लग रहे वीडियोस कमेंट कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड से शेयर कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए, आपके आगे बढ़ाइए मेरे चैनल को, और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊंगी इंशाल्लाह, आप लोग का सपोर्ट रहा तो। देखिए मैं इस तरह कॉलर को, झालर को कॉलर टाइप दे रही हूँ, इसका लुक अच्छा दिखता, आप देखिए। सीख कर पहनाइए आपके प्यारे प्यारे परियों को, खुद से बनाने का मज़ा ही अलग होता है। देखिए, ट्राई कीजिए, आ जाता है इंशाल्लाह देखकर। ये पीछे का नेक है, राउंड नेक ही है, सामने का भी राउंड है और पीछे का नेक भी राउंड है। इसको पाइपिंग की तरह ले रही हूँ मैं, और सीवन मार लिया दोनों के शोल्डर अटैच करके, फिर स्लीव्स अटैच कर लेंगे। स्लीव्स को जो मैं बॉर्डर रहता ना साड़ी का, ये साड़ी का कपड़ा लिया था मैंने, जो साड़ी का बॉर्डर रहता ना, उसको ही चुन्नत लेके मैंने स्लीव्स लगा लिए। इतना प्यारा फ्रॉक बनकर तैयार हो रहा है, देखिए पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए और सीखिए, थोड़ा तो भी ट्राई करने की कोशिश कीजिए, आ जाता है इंशाल्लाह। मैंने भी कभी कोशिश की थी, इसीलिए थोड़ा तो सीख पाई हूँ, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ। आप लोग भी सीखिए, अपने घर में काम आता, अपना